हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विष्णुआ प्रोडक्ट्स रिव्यू। कैसे आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वाइटनिंग फेशियल शेयर करने वाली हूँ, वो भी होममेड है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बिना किसी देर के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। गाइस, कॉफ़ी फेशियल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बाय द वे, आज की वीडियो में जो व्हाइटनिंग फेशियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है कॉफ़ी फेशियल। कॉफ़ी फेशियल को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इजीली ये बन भी जाता है। बस हमारे बेसिक से तीन स्टेप्स होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लिंजर, देन हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रब एंड थर्ड स्टेप है फेस पैक। सो बस इन तीन स्टेप में हमारा जो है वो पूरा का पूरा फेशियल मुकम्मल हो जाएगा एंड आप देखेंगे कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको इस फेशियल के मिलने वाले हैं। इसके अंदर हम कॉफ़ी का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमारी स्किन को जो है वाइटनिंग इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ हमारी स्किन ग्लो भी करेगी, हेल्दी भी हो जाएगी, एक्ने का प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन, सारे का सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा आज के फेशियल के साथ। तो अब चले अपने फेशियल को रेडी कर लेते हैं क्लिंजर। तो क्लिंजर कैसे रेडी करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लिंजर रेडी करना बहुत आसान स्टेप है, जस्ट हमें टू इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस प्रोसेस में। तो फर्स्ट हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। जी हाँ, मिल्क के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मिल्क आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, पिगमेंटेशन जो है उसके लिए अच्छा है, और भी काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट्स मिल्क में पाए जाते हैं। मॉइस्चराइजिंग के लिए, हाइड्रेशन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के लिए मिल्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क लेना है। आप अपनी क्वांटिटी के, फेस क्वांटिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं। देन हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी ब्लैक हेड, वाइट हेड को रिमूव करता है, स्किन को मॉइस्चराइज, हेल्दी ग्लोइंग लुक देता है, वाइटनिंग इफेक्ट भी जो है कॉफ़ी हमारे फेस को प्रोवाइड करता है। आप किसी भी टाइप का कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास इस वक्त जो है अवेलेबल है। तो हमें इसके अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी का ऐड करना है। तो हम इसके अंदर जो है अपना 1 टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड कर लेते हैं। ये देखें, आप चाहें तो इससे कम या फिर क्वांटिटी के हिसाब से जो है ज़्यादा भी रख सकते हैं। कॉफ़ी भी हमने इसके अंदर जो है अपनी कॉफ़ी को ऐड कर दिया है। अब आप इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लें। क्लिंजर जो कि रेडी हो चुका है, अब जो है आपको कॉटन पैड, कॉटन बॉल आपके पास जो भी इस वक्त अवेलेबल है आपको बस वो लेना है, इसमें डिप करना है एंड देन जो है अपने हैंड्स पर इसे लगा लेना है, यानी कि अप्लाई कर लेना है। तो देखिए, मैं इसे लूँगी एंड बस सिंपली अपने हैंड पे इस तरह से लगा कर जो है अच्छे से मसाज कर लूँगी। एंड जिसके अंदर हमने मिल्क यूज़ किया है, अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपकी स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाएगी, ड्राई नहीं रहेगी। देन उससे होगा ये कि आपकी स्किन वाइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगी, ग्लो करेगी, बिल्कुल एक अच्छा सा ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन के ऊपर। तो जो है आपको इस तरह से लगा कर हल्का हल्का मसाज करना है, अपने फेस को क्लींस करना है। इससे आपका फेस जो है अच्छे से जो है डीप क्लींस हो जाएगा, डीप क्लीन हो जाएगा, और जो है आपकी स्किन से मेकअप वगैरह ये सब कुछ, ऑयल वगैरह ये सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। और आपको जो है अपने फेस को वॉश करने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड अब देखें, मैंने अच्छे से इसे लगा लिया है, अब बस आपको जो है 1 से 2 मिनट मसाज करना है एंड अपने फेस को वॉश कर लेना है। इस वाले हैंड को जो है वो वॉश कर लिया है अच्छे से, इस वाले हैंड को। सो ये था हमारा बेसिक सा 1 स्टेप जो कि था क्लिंजर। अब चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ जो कि है स्क्रब। सो स्क्रब रेडी करने के लिए हम अपना जो है फिर से एक बर्तन ले लेंगे, जिसके अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है वो डालकर मिक्स कर लेना है। से मैंने ले लिया है अपना बर्तन। सो फर्स्ट हम जो इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट हमें इसके अंदर ऐड करना है कर्ड, यानी कि दही। तो जो दही है ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ये वाइटनिंग जो है बेसिकली हमारा पूरा फेशियल ही वाइटनिंग इफेक्ट पर, वाइटनिंग फेशियल हम इसे कह सकते हैं। तो ये आपका जो है आपको वाइटनिंग में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, आप 2 टेबल स्पून भी इसे कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ कर्ड ले लिया है। ये आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देगा, हेल्दी रखेगा, ऑयल जो है
जो सारा आपके फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे ऑब्जर्व कर लेगा, या आपकी जो है पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है, आपकी स्किन पर मॉइस्चराइजिंग के लिए, हाइड्रेशन के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये बहुत ज़्यादा जो हमारे जैसे कि सन टैन, सन बर्न, इन सब चीज़ों के लिए जो है कर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ कर्ड। अब जो है इसके अंदर हमें ऐड करने हैं ओट्स। मैं ओट्स पर जो है एक पूरा का पूरा रेडी कर चुकी हूँ फेशियल भी, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे क्लिक करके देख सकते हैं, आप वो भी ट्राई करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे इन्ग्रीडियंट्स, ऐसे बेनिफिट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑफ लिया है कर्ड, तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ओट्स का पाउडर मिला लूँगी। आप जो है इसके अंदर नॉर्मल ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, तो मेक श्योर कि आप भी ओट्स का पाउडर ही यूज़ करें। अब इसके बाद जो है हमारा लास्ट एंड मेन इन्ग्रीडियंट जो कि है कॉफ़ी। कॉफ़ी को हमने 1 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर कॉफ़ी ले लेनी है। ये देखें, ये मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी। अब हम इसे इसके अंदर मिला लेंगे। जो है अब हमने अपने तीनों इंग्रेडिएंट्स मिला लिए हैं जो कि फुल ऑफ बेनिफिट्स है, जिनके अंदर बेनिफिट्स भरपूर हैं। अब आप इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि बिल्कुल जो है आपको एक नाइस सा स्क्रब मिल जाए। सो पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। सो देखें गाइज, हमने फ्रेंड्स इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा स्क्रब जो कि 2 मिनट में रेडी हो चुका है, सिंपल बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस बेनिफिट्स ही हमें देते हैं। तो बस आपको जो है इसे लेना है थोड़ा सा क्वांटिटी के हिसाब से, अपने फेस पे अप्लाई करना है और स्क्रब करना स्टार्ट करना है। आपको बिल्कुल भी हार्श फील नहीं होगा, क्योंकि स्क्रब में जो पाए जाते हैं उनकी वजह से जो है कभी कभी हमारी स्किन पर हार्श भी हो जाता है, यू नो हार्श फील होता है हमें, या हमें वो चुभते हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये काफ़ी हमने इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया है और ओट्स को भी पाउडर की फॉर्म में यूज़ किया है, इसलिए आपको जो है बिल्कुल भी हार्शमन फील नहीं होगा। बस आपको इसे 1 से 2 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद जो है आपको अपने फेस को वॉश करके जो है वॉश कर लिया है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको जो है मिलने वाले हैं। अब रह गया हमारा थर्ड लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है फेस पैक। फेस पैक रेडी करने के लिए हमने फिर अपना जो है दे लिया है यहाँ पर बर्तन। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपको मिक्स करने हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर हम डालने वाले हैं वो है सैंडलवुड पाउडर। सो सैंडलवुड पाउडर एक्नी के लिए अच्छा है, सन बर्न के लिए अच्छा है, सन टैन पैक भी इसे माना जाता है। देन ये जो है आपकी पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है, ये आप एक टाइप का यू नो फेयर स्किन कम्प्लेक्शन है ये, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो 1 टेबल स्पून हम इसका ले लेंगे। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी जो है अपने फेस के हिसाब से रख सकते हैं। देन इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर भी जो है पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है, इसके अंदर ऐसे जो है सर्टन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि एक्ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसे फेस पैक से भी सालों से फेस पैक के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है, इसके काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना कॉफ़ी पाउडर। सो ये मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही जो है कॉफ़ी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये देखें। ओके, सो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर ले लिया है। अब जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर, यानी कि पानी। तो बस हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करना है ताकि हमें इसकी अच्छे से जो है टेक्स्चर मिल जाए, बिल्कुल फेस पैक वाला। ठीक है, तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, देन जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर हम देखेंगे अगर हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे और ऐड कर लेंगे इसके अंदर। सो गाइस, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है पानी की, और बस हमें इतना ही, बिल्कुल हमें मास्क फेस पैक जैसा टेक्सचर यहाँ मिल गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया, जैसे मुझे तो लगा कि थोड़ा सा पतला है, तो मैंने जो है इन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ा दी, यानी हाफ हाफ जो है मैंने इसके अंदर जो है थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सैंडलवुड पाउडर थोड़ा थोड़ा और ऐड कर लिया, जिसकी वजह से इसकी जो इसका टेक्स्चर है वो बिल्कुल वापस फेस पैक जैसा हो गया। अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा पतला है, तो आप जो है इसमें बेसन और सैंडल पाउडर की क्वांटिटी जो है थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा दें, देन आपको एक अच्छा सा नाइस सा टेक्सचर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखें, बिल्कुल जो है हमारा
पैक रेडी है यहाँ पर। उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी। अब बस इसे हमें नॉर्मली अपने जो है लेना है यहाँ पर फेस पे, और बस आपको जो है इसे फैला लेना है। तो मैं आपको हैंड्स के साथ यहाँ पर लगा कर दिखा रही हूँ। फेस पैक है ये, हमें सिरप नहीं करना है, बस इसे नॉर्मल लगाने के बाद फैला लेना है अपने फेस पे। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा और ले रही हूँ और इसे बस मैं फैला लूँगी कुछ इस तरीके से। एंड अब जो है हम इसका ड्राई होने का वेट करेंगे, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम अपने फेस को जो है वॉश कर लेंगे। गाइस ये देखिए मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है एंड यकीन माने इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लाइक स्किन ग्लो करने लग गई है। वाइटनिंग इफेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमने इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए वो सब ही जो है फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं कि वाइटनिंग इफेक्ट से भरपूर हैं। तो आप इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको भी इतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एंड देन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें। सो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।